टाइगर 3 रिलीज हुई है और मैं उसी को देखने आया हूँ पीवीआर सिनेमा पर। अभी अभी इंटरवल हुआ है और मैं थिएटर से बाहर आया हूँ और मेरी आधी जान निकल चुकी है और मगर क्यों और सर में कितना दर्द है ये मैं आपको बता नहीं सकता। तो क्यों क्या हुई? तो अब मैं 2 पेनाडोल खाऊंगा और 1 एनर्जी ड्रिंक पीऊंगा अगर मुझे जिंदा रहना है तो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मुझे थिएटर के अंदर जाना चाहिए सेकंड हाफ देखने के लिए या नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट हाफ ही इतना कमाल का है कि उसको देखकर मेरी आधी जान निकल चुकी है, मैं तकरीबन अधमरा हो चुका हूं। तो अगर मैं सेकंड हाफ देखने के लिए थिएटर के अंदर गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं जिंदा वापस बाहर निकलूंगा? लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं फिल्में देखता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को बता सकूं कि कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी बुरी है, तो मैं इस फिल्म को भी देखने आया हूं आप लोगों के लिए। चल झूठा, अगर सेकंड हाफ नहीं देखूंगा तो आप लोग कहेंगे कि भाई जब आपने सेकंड हाफ देखा ही नहीं तो आप रिव्यू कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे पता कि फिल्म अच्छी है या बुरी है? नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जान की बाजी लगानी पड़ेगी और मुझे सेकंड हाफ देखने के लिए थिएटर के अंदर जाना ही पड़ेगा। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। लेकिन मैं अपने घर वालों से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस फिल्म को देखकर थिएटर से बाहर जिंदा ना निकला, अगर थिएटर के अंदर इस फिल्म को देखते हुए मेरी मौत हो गई, तो वो डायरेक्ट FIR करे आदित्य चोपड़ा के नाम पर और इस फिल्म के डायरेक्टर के नाम पर। भोसड़ी के माता चौथ बहन के लड़े मच्छर की जान। अगर इन दोनों ने जानलेवा फिल्म बनाई है और इसको देखते हुए किसी की भी थिएटर के अंदर मौत हो जाती है तो जाहिर सी बात है ये दोनों लोग ही जिम्मेदार होंगे। तो बात तो सही है।